जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने इसको अपनी भाषा में लिखा है, मतलब एकदम सिंपलीफाई करके लिखा है, एकदम सिंपल तरीके से आपको एक बार में याद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय तुलसीदास, इसको अपनी भाषा में लिखे सिंपल। देखिए कैसे, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को, ठीक है, या 1589 विक्रमी संवत को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। क्या भाई कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी यानी संवत 1589 ईस्वी विक्रमी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि भाई इनके जन्म के संबंध में कोई भी सही प्रमाण नहीं मिलता है, लगभग में हुआ था। दूसरी बात, आपको दूसरी बुक में दूसरा देखने को मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको याद है उसी को लिख दीजिए और आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तो इनके पिता का क्या नाम था भाई, तो आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि भाई कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं, स्थान को मानते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इनके जन्म के संबंध में ही मतभेद हैं, मतलब जहाँ पर जन्म हुआ तो भाई डेट कौन यहाँ पर निर्धारित किया है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। लेकिन ज़्यादातर प्रमाण जो मैंने लिखा है एकदम इसी को मिलते हैं, मतलब यही को आप याद करना है, ठीक है, कि भाई बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। आप लिख सकते हैं चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, क्योंकि पहले बांदा जिला था लेकिन अब चित्रकूट हो गया है, चित्रकूट जिले में आने लगा है राजापुर, क्योंकि मेरे पास ही है लगभग, वहां पर स्मारक भी बना है। अब चलिए देखते हैं भाई, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गाँव को मानते हैं, स्थान को मानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बचपन का नाम राम बोला था। देख सकते हैं इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये सरयू पारायण ब्राह्मण थे। क्या थे भाई, ये सरयू पारायण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इनके माता पिता ने त्याग किया होगा, क्योंकि यार किसी के भी माता पिता त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए, इसलिए त्याग कर देंगे। आप ही सोचिए क्या किसी के माता पिता ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इनके बचपन का नाम राम बोला कैसे पड़ गया अगर त्याग कर दिया था, तो मुझे लगता है इसमें भी कन्फ्यूजन है, लेकिन आप याद कर लीजिए, क्या करेंगे भाई, याद तो करना पड़ेगा। तो इनके बचपन का नाम राम बोला था, ये सरयू पारायण ब्राह्मण थे, इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनके गुरु स्वामी नरहरी दास ने इनका पालन पोषण किया था। अब देखिए मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, अगर आप चाहें बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं कि भाई इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया, फिर स्वामी नरहरी दास ने इनको उठा लिया और इनका पालन पोषण किया, इनको शिक्षा दी, तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने एकदम एक लाइन से लिखा भाई, ये चीज़ होगी तो उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ होगी तो उसके बाद क्या होगा, एकदम इस तरह से मैंने लिखा है, देख सकते हैं, इधर उधर से नहीं है। देखिए अब क्या है भाई, इनके गुरु स्वामी नरहरी दास थे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए इनके गुरु स्वामी नरहरी दास ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही 3200 दांत मौजूद थे। आप लिख सकते हैं कि कहा जाता है इनके जन्म के समय ही इनके मुंह में 3200 दांत मौजूद थे, जो कि किसी के भी नहीं होते लगभग, वो इसीलिए तो वो समझ लिए थे भाई इनके माता पिता कि ये राक्षस हैं, इसीलिए फेंक दिए थे। अब देखिए, इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। बहुत जगह लिखा होता है इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हो गया था। तो देखिए आपको ज़्यादा याद करने वाली ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ें याद करना, इसीलिए मैंने लिखा है। इतना अगर आप लिख देते हैं कोई माई के लाल आपका नंबर नहीं कर सकता, 100% गारंटी है दोस्तों, तो इसके लिए आप लाइक कर दीजिए एक। अब चलिए देखते हैं, ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। देखिए अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे, मतलब प्रगाढ़ प्रेम तो आप कह सकते हैं, लेकिन जब प्रगाढ़ प्रेम होता है तो वहाँ पर फूट फायर भी होती है, और जब होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हुआ। देखिए क्या हुआ कि भाई, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए।
अब यहाँ पर कहानी है बहुत सारी बड़ी, इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट कर दिया कि भाई मैं बता देता हूँ आपको कि भाई इनकी पत्नी एक बार बिना बताए मायके चली गई, जिसके कारण ये अपने प्रेम आतुर तुलसीदास अपनी पत्नी के मायके जा, मतलब अपनी पत्नी के गांव जा पहुँचे। वहाँ पर इनकी पत्नी ने ऐसा कृत करने के लिए बहुत डांटा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो यार कुछ भी हो सकता है लिखने का तरीका, लेकिन आप पॉइंट याद कीजिए, हेड टू हेड याद कर लीजिए, पॉइंट याद कर लीजिए। अब देखिए क्या है, अब काशी जब चले गए तो काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। तो लिख सकते हैं तुलसीदास जी शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान ग्रहण किया या प्राप्त किया। तो यार कुछ भी लिख सकते हैं। आगे है, इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। क्या हुआ भाई, इनका जीवन काशी अयोध्या चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। देखिए इन्होंने श्री रामचरितमानस जो एक महाकाव्य लिखा है, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में उसे गाया जाता है, 24 घंटे में पूर्ण होती है, तो देखिए उसको बहुत चाव से गाया जाता है। तो उसी के लिखने के लिए भाई इनको अयोध्या जाना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं राम की जन्मभूमि अयोध्या है। तो भाई इनका क्या है, काशी जहाँ चले गए थे अपनी पत्नी के डांट द्वारा, और अयोध्या का मतलब रामचरितमानस लिखने के लिए, ठीक है, और चित्रकूट में अधिक व्यतीत होता है। चित्रकूट इनका जिला है, आप कह सकते हैं, ठीक है, हमारा जो जिला है वो चित्रकूट पड़ता है। आगे, इनकी मृत्यु सन कितने ईस्वी को हुई थी, 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। अब कहीं कहीं पर लिखा होता है यार संवत 1554, तो अगर संवत 1554 लिखा होता है तो उसमें 57 घटाएंगे तो लगभग इनका जन्म 1400 कुछ में आएगा। मतलब यार इनका जन्म कब लिखा, 1554 लिखा होता है तो 1497 लगभग आएगा। तो आप सोचिए यार कितना मतभेद है। तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसी को याद कीजिए, आप ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अब देखिए रचनाएँ याद कर लीजिए, क्या हुआ भाई, देखिए रचना इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को लिखा है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछी जाती हैं और कहीं से भी नहीं आएंगी। देखिए श्री रामचरितमानस हो गया आपका, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये आप जोड़कर लिख दीजिए थोड़ा। देखिए नीचे था इसीलिए यार थोड़ा गलती हो गई थी, क्योंकि नीचे था यार लिखते नहीं बनता है, ठीक है, तो आप एकदम गुस्सा मत हो जाना। अब चलिए फिर से एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी यानी संवत 1589 विक्रमी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आप जानते होंगे भाई इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। आगे, कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोर नामक गाँव को मानते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भाई इनके जन्म के संबंध में मतभेद हैं, कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले के सोर नामक गाँव को मानते हैं तो कुछ लोग इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव को मानते हैं। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इनके बचपन का नाम राम बोला था, ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका देखिए अब क्या है, इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था या इनको त्याग दिया था। इनके गुरु स्वामी नरहरी दास ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय 3200 दांत मौजूद थे, मतलब एक प्रकार से राक्षस टाइप में लग रहे थे, ठीक है, क्योंकि राक्षस आप जानते हैं बड़े बड़े दांत होते हैं, तो इसीलिए डर कर इनके माता पिता ने इनको फेंक दिया था और स्वामी नरहरी दास ने उठा लिया था, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इनका पालन पोषण किया। आगे, इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। काशी में क्या है, शेष सनातन नामक विद्वान से इन्होंने वेद पुराण आदि ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह लिख सकते हैं, इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरह बहुत कहानी है, लेकिन इतना आप याद कर लेंगे तो कोई भी आपका नंबर काट ही नहीं सकता। इसके पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी के जीवन पर एक वीडियो आपको बना चुके हैं, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यह हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। और आपको मॉडल पेपर चाहिए तो भी आपको सभी सब्जेक्ट के एक एक दो दो तीन तीन मॉडल पेपर, पिछले साल के पेपर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाकर आप चेक कीजिए। तो बस यही थी वीडियो यार, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।